एक्सरसाइज नंबर 9, सो गो टू मेनू बार, इंसर्ट पीडीएफ अंडरले, सिलेक्ट द एक्सरसाइज नंबर 9, ओपन, स्विच ऑफ द स्केल टैब, ओके, क्लिक ऑन स्क्रीन, सिवा इसको हम रोटेट कर देते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन सही होना जरूरी है, नहीं तो कुछ नंबर्स एंड डिजिट्स को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे। सबसे पहले सर्कल हम लेते हैं एक रेडियस 20 का, फिर दूसरा लेते हैं रेडियस 30 का, फिर तीसरा लेते हैं रेडियस 26 का, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से, वो जो टीथ जैसे गियर जैसे शेप है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए उसका जो विड्थ है वो है 10 mm, तो हमें 5-5 ऑफसेट करना है। ओ एंटर, 5 एंटर कीजिएगा। और इसको बनाते समय देखिएगा कि कौन सा डायरेक्शन में बना रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये बेटर पोजीशन है। फिर टी या डबल एंटर करेंगे। अभी हमें सबसे जो आउटर सर्कल है 60 ये रहेगा, उसके बाद इसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये कटेगा सब, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो ये मेरा सेप आ गया। अब इसको हम एरे करते हैं, ए आर एंटर। तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड एरिया, जो जो एरिया चाहिए आपको सिलेक्ट करो, फिर आप पोलर में जाओ और ये सेंटर में क्लिक करके 5 है तो आई एंटर, 5 एंटर, ओके। तो ये सेप आ गया। आप जो अनवांटेड एरिया है आप उसको ट्रिम कर दो। इस तरह हमारा टीथ वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, ये सेंटर निकालेंगे। मैं बोला था प्रीवियस एक्सरसाइज वगैरह में इस टाइप के सर्कल, इस फिगर के सारे सर्कल का सेंटर आप निकाल लेना पहले तो बेटर रहेगा। तो इसका हम सेंटर से लेते हैं दिस साइड 34, स्विच ऑन दी ऑर्थो, देन राइट साइड 34, देन अपवर्ड 73, देन विल गेट द सेंटर फॉर दिस। अभी आप सर्कल ले लो यहाँ पर, सबसे पहला सर्कल है 21 का, फिर आप ऑफसेट कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट सर्कल जो है वो 33 का है। अब 33 का सर्कल बन गया, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अब यहाँ पर सर्कल लेके यहाँ टच कर दो, ऑटोमेटिक से फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से फिर यहाँ टच करवा दो तो ये शेप हमारा आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक। तो ये शेप थोड़ा स्टडी करने से फिगर को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट पहले बनाएंगे। तो हो गया, ये शेप आ गया हमारा। अब यहाँ और सर्कल बनेगा जिसका रेडियस से 21, ठीक है। तो इसका सेंटर से 21 का सर्कल बनाओ और इस साइड भी आप एक 21 का सर्कल बनाओ। फिर आप इन दोनों का जो निकला सर्कल, फिर यहाँ पर आप रेडियस 25 का फिलेट कर सकते हो, एफ एंटर, आर एंटर, फिर 25 एंटर, ये आपका आ गया सेप, ठीक है। ये बाद में ट्रिम करेंगे, फिलहाल इन दोनों का सेंटर निकालते हैं। यहाँ से फिर 46 जाएंगे और ये 76। तो सबसे पहले आपको सेंटर से जानना है 46 एंड दिस साइड 76 का आधा 38। यहाँ तो यहाँ पर फिर हम सर्कल बनाएंगे, एक बनाएंगे 18 मीन्स 9 एंड अनदर वन 16। सो कैन अब इसको हम मिरर कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक ना, इस तरह हो गया। अब यहाँ भी एक आर्क है 24 का, ठीक है ना, तो सर्कल ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। ये जो सेंटर हमने निकाला, इसका सेंटर हमें पता है, हाँ ऊपर से फिर आपको 21 आना है, ठीक है। लाइन एक ले लो यहाँ से 21 का, देख पा रहे हो 21 कहाँ लिखा है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा,
बनेगा 13 का और एक बनेगा 24 का। सो हो गया गेट दिस शेप। अब यहाँ पर हमें करना है फिलेट 12 का, एफ एंटर आर एंटर 12 एंटर। तो ये शेप फिगर थोड़ा डायमेंशन के हिसाब से अलग ही दिख रहा है, वो सारे डायमेंशन तो हमने मेंटेन किया है। फिर आप ट्रिम कर दो, ठीक है। एक बार अगर कंफर्म होना है आप क्रॉस चेक कर लो, 73 यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा, ये 73 है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा ऊपर का है, ये 46 होना है, 46 है। यहाँ से यहाँ 21 है, तो सारा सही है, कोई इशू नहीं। फिर आप लाइन लो, फिर यहाँ से लेके यहाँ टच कर दो थोड़ा अंदर, फिर यहाँ से भी ले लो, यहाँ से लेके इसके सीधे प्रोजेक्ट करके थोड़ा, ठीक है, दिस वे। तो हमारा शेप पूरी तरह से अब रेडी है। जो भी फिलेट वगैरह है आप कर लेना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, अभी अनवांटेड रेफरेंस लाइन को आप डिलीट कर सकते हो, डायमेंशन आप रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पर 15 का फिलेट, एफ एंटर आर एंटर 15 एंटर, तो यहाँ 15 का फिलेट है और इधर 10 का। सो बाकी सब चीजें आप कर लोगे। डायमेंशन मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि आपको शॉर्टेस्ट वे बताना जल्दी कैसे बने, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। ये शेप पर आ गया, बाकी लाइन टाइप वगैरह तो मैं बता के रखा हूँ, आप कैसे लोड करना है, कैसे बनाना है। जैसे यहाँ से अदर में जाके आप सेंटर लाइन वगैरह यहाँ से लोड करो, जो सेंटर लाइन आपको सही दिख रहा है फिर तो उसको ड्रॉ करना, ठीक है। बी सी, हाँ जैसे ये लिया मैंने, अब ये सेंटर लाइन आ गया, यहाँ से मैं सेंटर लाइन रखा और मुझे जिस तरह से सेंटर लाइन वगैरह ड्रॉ करना है ऐसे आप ड्रॉ करो। छोटा बड़ा छोटा है तो उसको मेंटेन करो, ठीक है, बन जाएगा। ये सब बना सकते हो आप लोग। अभी मेन इंटेंशन जो था हमारा कि हम कैसे जल्दी बनाएंगे, ठीक। आप टाइम देख सकते हो, मैं थोड़ा आप लोग समझोगे थोड़ा इसलिए धीरे कर रहा हूँ, नहीं तो और भी जल्दी बन सकता है। आप भी प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड आ जाएगा। आप इस फिगर को करते हैं, इस फिगर को करने के लिए हम यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये सर्कल लेते हैं 28 का। अच्छा, मेरे लाइन टाइप यहाँ पर एक्टिव है ना, इसलिए वो सेंटर लाइन जैसे दिख रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें। फिर यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस 34 है, तो आप 34 का एक लाइन ले लेना। फिर यहाँ पर ये छोटा सर्कल बनाना है 18 का, ओके। अब उस स्नैप में राइट क्लिक करके सेटिंग में जाना है, मैंने बोला था क्लियर ऑल करना है और टेंजेंट ऑन करके, प्रीवियस एक्सरसाइज में मैं बोला था। फिर आपको यह टेंजेंट जब भी ड्रॉ करना है होगा, आप लाइन लेके से बना लो। ये खत्म होने के बाद फिर से आपको इसको ऑन करना है, नहीं तो फिर आपको काम करने में दिक्कत होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट अभी नीचे का जो सर्कल है उसका सेंटर निकालना है, ट्रिम हम बाद में एक बार में करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट 50 है, तो यहाँ से हम 50 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर 76 का था 38, ओके। सो हमें सर्कल यहाँ ले लेना है, फिर दो एक 22 रेडियस का एंड एक 10 का, ओके दिस वे। अब इसको हम मिरर कर देते हैं, अब उस साइड बनाना चाहो तो बना सकते हो, थोड़ा मिरर कमांड भी प्रैक्टिस हो जाएगा इसलिए। अब सेम और एक सर्कल बनाना है हम इसी सेंटर में, जिसका रेडियस से 124 डायमीटर, मतलब 62, ओके 62।
62 डाया ना, हाँ तो 124 डाया, देखते हैं एक बार, मुझे थोड़ा बड़ा क्यों लग रहा है। सही है, 62 रेडियस है, डायमीटर डायमीटर 124, गुड, सही है। तो फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ, चेक कर लेते हैं हम थोड़ा डायमेंशन। 76 तो ये होना चाहिए, परफेक्ट है, वो हो जाएगा, बनने के बाद सेफ आ जाएगा, कोई नहीं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे डाउट हो तो आप एक बार ओवर चेक कर लेना डायमेंशन को, सही रहेगा। फिर भी यहाँ से हम जाते हैं 110, ओके। आप यहाँ ऊपर में, फिर हमारा दो सर्कल बनने वाला है, दो तीन सर्कल बनने वाला है। पहला सर्कल है 13 का, फिर एक सर्कल बनेगा हमारा 32 रेडियस का, और एक बनेगा 24 का, ओके। तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम ये जो अंदर वाला तो सर्कल उसी में काम है फिलहाल, फिलेट एंटर, एफ एंटर, आर एंटर, फिर ये 45 एंटर, अब इसको हमें इसके साथ फिलेट करना है, ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है जरूर। ओके, तो ये जो मैंने 110 लिया ना, ये 110 यहाँ से नहीं है, मैंने सिलेक्ट करके मूव करना, ये यहाँ से आएगा इसके नीचे, देखो आप भी देखो नीचे से है, ठीक है, इसीलिए वो इतना लंबा हो गया। एफ एंटर, आर एंटर, 45 एंटर, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर से रिपीट दिस साइड आल्सो। बाकी टेंजेंट वाला प्रोसेस तो बताया था, उसमें आपको राइट क्लिक करना है और सेटिंग में जाके क्लियर ऑल, फिर टेंजेंट ऑन करके ओके करना है और लाइन लेके इन दोनों को बस आप कहीं भी क्लिक करो, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सेफ कंप्लीटेड हो गया है, अब खाली हमें फिलेट करने का जरूरत है। फिलेट कर लो यहाँ पर 18 का, सो एफ एंटर, आर एंटर, 18 एंटर, अब यहाँ पर आप क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, इधर भी सेम थिंग करो, और इसको आप 2 पॉइंट सर्कल में बना सकते हो, 10 10 रेडियस करके देखते हैं, मुझे लगता है नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। सी एंटर, टी एंटर, अब यहाँ यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि ये सेप सेप देखो ऊपर चला जा रहा है, डायमेंशन प्रॉब्लम है इस फिगर में थोड़ा। तो आप सर्कल लो, 2 पॉइंट सर्कल ले लो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो। अब ये 20 है कि नहीं, 20 नहीं आएगा, इसलिए ही वो नहीं हो रहा था, देखो 16 आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है ये 20 होगा ऐसा 16, ठीक, इस तरह थोड़ा प्रॉब्लम है डायमेंशन। अब आप ट्रिम कर दो, ध्यान से देख देख के कहाँ से, इसीलिए मैं रखा था कि लास्ट में एक बार में ट्रिम करें, तो टाइम हमारा सेव होना है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ट्रिम करते समय भी ध्यान रख के करना है कि क्या काटना है क्या नहीं काटना है, ठीक है। देखो सेव फॉर्मेशन हो गया, जो अनवांटेड चीज़ें हैं मैं उसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब हैचिंग वगैरह करना है, आप हैचिंग भी कर सकते हो, हैचिंग मैंने बता के रखा था, एचिंग के लिए क्या कमांड था हमारा, एच एच, सो एच एंटर करते हैं और यहाँ से जो भी पैटर्न हमें चाहिए लेके हैं इसके अंदर क्लिक करते हैं, ओके। ये हो गया सेकेंड, अब इधर थर्ड में आते हैं, इसको भी हम नीचे से ही करेंगे। सबसे पहले नीचे सर्कल ले लेते हैं हम, एक सर्कल रहेगा 44 मतलब 22 रेडियस का, दूसरा सर्कल रहेगा आपका, आउटर वैल्यू दिया होगा जरूर, एक दिया है 44 का, पीसीडी डाइटिन 12 होल 60 का है, 30 का एक बना आउटर वाला, ये 60 देख रहे हो, ये 60, ये 44, और ये पीसीडी जो है वही पीसीडी 44 का है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 होल, उसको बाद में देखते हैं, अरे वो हो जाएगा, वो टेंशन वो बाद में करेंगे, अब पहले बाकी सारा सेफ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ 56 65 का है, तो
आप 65 का एक लाइन ले लो एंड दिस साइड 74 का आधा 37, ओके। एंड यहाँ पर आप दो सर्कल, एक सर्कल बना दो। रेडियस आप देख रहे हो यहाँ पर 8 का है और एक 22 का है, तो 8 का बनाते हैं, फिर 22 का बनाते हैं। आप यहाँ मिरर कर सकते हो, ठीक है। मिरर हो गया। अब लाइन लेके अंदर वाला को आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये अंदर वाला सिंपल बन गया, बाहर वाला का काम होगा और बाकी है। फिर नेक्स्ट 54 जाते हैं यहाँ से। 54 आप ऑफसेट भी यूज कर सकते हो चाहो तो, सेंटर लाइन लेके लेके कोई इशू नहीं है। 33 अब यहाँ पर भी दो सर्कल बनेगा, एक सर्कल बनेगा हमारा कितना 18 का और दूसरा सर्कल बनेगा 16 मतलब 8 का, ओके। एंड इसको भी हम एक बार भी मिरर कर सकते थे, इसको बेटर रहता। देखो आपको पता चला ना, आप एक बार में एक साइड बना के मिरर कर देना। तो इसी तरह एक ड्राइंग को 2 से 3 बार करने से हमें आइडिया आ ही जाता है कितना जल्दी ड्राइंग कंप्लीट होगा। फिर इसको आप सी एंटर, टी एंटर, अब क्लिक कहाँ करना है वो मैटर है, आपका तस्वीर प्रॉपरली नहीं हो सकता। 1-2 दिन बाद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर और यहाँ पर आपका उस पर जहाँ टच है, एंड ये 56। और इसको भी वैसे कर सकते हैं लेकिन फिलेट कर लेंगे, एफ एंटर, आर एंटर, 20 एंटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा से, ओके। एंड ये तो फिलेट हो ही जाएगा, एफ एंटर, आर एंटर। ये है रेडियस 22, देन डू दी फिलेट विथ ओके विद दिस, विद दिस, ओके दिस वे। अभी हम टेंजेंट वाला काम कर लेते हैं, सेटिंग क्लियर ऑल। अब बोल रहे हो कि सर ये वो टाइम टेकन है सेटिंग वेटिंग जाके, कुछ शॉर्टकट? हाँ वो भी बता देता हूँ अभी, चलिए याद आया तो बता देते हैं। ये तो एक तरीका था, और एक तरीका क्या है, जैसे मैंने जैसे इनिशियल कंडीशन था वो इसी में चला जा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट ऑल करते रहो। इतना लंबा नहीं करके आप क्या कर सकते हो, लाइन ले लेना, फिर शिफ्ट पकड़ना है, राइट क्लिक करके टेंजेंट में जाओ। ये भी एक तरीका है, यहाँ क्लिक करो, शिफ्ट पकड़ के रखा हूँ मैं, ठीक है। फिर राइट क्लिक टेंजेंट, तो इससे थोड़ा आपका टाइम सेव होगा। ये भी कर सकते हो, फिर छोड़ दो, हो गया शिफ्ट, हो गया ना। तो परफेक्टली हमने कंप्लीट कर लिया हमारा थर्ड नंबर शेप, ओके। एंड ट्रिम द अनवांटेड थिंग्स आप कर सकते हो, ट्रिम। अगर आप प्रॉपर वर्जन यूज कर रहे हो ना 22 या 20 ऑटोकैड का, तो आपको ट्रिम का थोड़ा और एडवांस ऑप्शन मिलेगा, जिससे आपको और अच्छा लगेगा ट्रिम करने के लिए, ठीक है। तो हो गया। लेकिन देखिए डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायमेंशन करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों को वीडियो लेंदी हो जाएगा, और डायमेंशन के क्लासेस वगैरह ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसको एरे कर रहा हूँ, कोलर में जाके यहाँ ले लिया। अब आई एंटर कर रहा हूँ और 8 12 होल है तो 12, ओके ठीक है। तो ये सेव भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर इसके लिए भी हम वही सर्कल सर्कल लेके बना लेंगे। सबसे पहले इधर हमारा 14 का सर्कल बनेगा, फिर आप चाहो तो इसको कॉपी करके भी बना सकते हो। जैसे मैंने रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, आपको इजी होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो। ये 3 होल डाया 18 का है, मतलब ये तीनों सर्कल जो है वो 18 का ही बनेगा, 28 का ही बनेगा, 82। सो आप बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर दोगे। अच्छा बाहर वाला 27 27 27, ओके। तो बाहर वाला भी एक बार कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, ठीक है। फिर से यहाँ से एक हम 27 का भी सर्कल कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा 3 सर्कल को हम यहाँ से पकड़ के यहाँ और यहाँ, कितना जल्दी हुआ, थोड़ा स्टडी करने से हो जाएगा। एफ एंटर, आर एंटर, फिर 30, ठीक है। सो ये हो गया। अब बाहर वाला के लिए आप फिलेट नहीं कर सकते क्योंकि फिलेट हमेशा कनकेव में होता है, तो इसके लिए सी एंटर, टी एंटर करना है आपको। और सिलेक्शन देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ भी कीजिए, 1
और इस यहाँ से इधर की तरफ, फिर दो, फिर रेडियस है हमारा 83। ओके 83। ओके शेप आ गया। अब यहाँ पर एक फिलेट है रेडियस 10 का, एफ एंटर, आर एंटर, 10 एंटर। अभी आप यहाँ फिलेट कर लो, ठीक है, एंड नीचे भी है 10 का, तो यहाँ पर भी आप फिलेट कर लो। हो गया हमारा शेप। अब यहाँ पर आप ट्रिम कर लो इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा फिर काम है ना, इसलिए अभी ट्रिम कर दिया। अब ये सब लाइंस को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा एक, इसमें टेंजेंट की ज़रूरत नहीं है, यह क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर में ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर जैसे बोला था लाइन लिया, शिफ्ट पकड़ के रखना है, राइट क्लिक, टेंजेंट में जाना है। कहाँ गया हमारा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, फिर लेके यहाँ पर राइट क्लिक, टेंजेंट। ओके किधर गया टेंजेंट, ये है इस बार। ओके तो देखिए हो गया, ये सब भी कंप्लीट। अब थोड़ा खाली उसको ड्रेसअप करना है, ट्रिम वगैरह करके, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ठीक है। ओके अब और भी एक सर्कल है, हमने छोड़ा है इसको, देखो यहाँ पर है, तो उसका पोजीशन कहाँ है, इधर से 22 है और 40 है, ठीक है। आप इसके लिए लाइन ले सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो, आज जरूर इधर से मैं लेता हूँ 40, इधर 22। ओके विल गेट दी पोजीशन फॉर द सर्कल, देन अभी इसका डायमीटर 20 है, सो लेट्स 10 रेडियस। ओके तो फेसिंग भी कर लेते हैं थोड़ा, एड पिक, क्लिक इन साइड लाइन। हाँ हैचिंग डायमेंशन आपको हमेशा लास्ट में ही डालना है, क्योंकि वे हैचिंग वगैरह ये सब करोगे ना, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा डायमेंशन अगर हो गया होगा। होप सो आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जरूरत है ये जो लाइन टाइप आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको छोटा करने के लिए आपको एक कमांड डाल सकते हो, LTS, LTS लाइन टाइप स्केल। अभी मैं डाल रहा हूँ 0.25, छोटा हो गया, अच्छा दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो फिर से LTS, फिर 0.5 भी कर सकते हो, 0.02 भी कर सकते हो, 0.08, 0.25, ठीक है। सो ये LTS भी कर सकते हो आप, लाइन टाइप स्केल बोलते हैं इसका स्टाइल छोटा बड़ा करने के लिए। बाकी डायमेंशन वगैरह आप कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, ऐसे आप देखते रहिए, और होप सो मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, थैंक यू।